नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार। जी हाँ दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। समय समय पे दोस्तों मैं इस चैनल पे जो है आपको जो है समय समय पे मैं इस चैनल पे ऐसे घरेलू नुस्खे बताता हूँ जिसको आप आजमा करके अपने शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं घर पे हूँ और घर पे ही एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो घरेलू नुस्खा है आपको कौन कौन से रोगों में फायदा देने वाला है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए यह औषधि जो होती रामबाण से कम नहीं होती। दूसरा, जिन लोगों के घुटनों में तेज दर्द होता है, घुटने में कट कट की आवाज़ आती है, घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं दादा दादी होते हैं उनकी आप इस तेल से जो मैं तेल बना बताने वाला हूँ इस तेल से अगर आप मालिश करेंगे तो यकीन मानिए कि उनके जो हाथ पैरों का जो दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, जो लोग हमेशा सर्दी खांसी जुखाम से पीड़ित रहते हैं, यानी जिन लोगों की नाक जो होती है वो हमेशा बहती ही रहती है, कुछ भी मौसम थोड़ा सा परिवर्तन होता है वो तुरंत खांसने छींकने लग जाते हैं, तो उनके लिए भी है जो औषधि जो है जो मैं आज बताऊँगा आपको वीडियो में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है दोस्तों, एक और रोग से यह आपको निजात दिलाने वाले, जिन लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज यानी कि उनका जो हृदय होता है वो उसकी जो पंपिंग होती है वो उसकी कम हो जाती है, जिसके वजह से दोस्तों उनको कार्डियक अरेस्ट होने की या दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद भोजन करने के बाद 600 कदम नहीं चलता रात में और दिन में विश्राम नहीं करता उसमें यह समस्या जो होती है अमूमन देखने को मिलती है। और आजकल जो है पूरे भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें जो होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती है, क्योंकि हमारा खान पान जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया जिसकी वजह से हम शुद्ध देसी चीज़ें नहीं खा पाते, हम लोग तेल का इस्तेमाल करते और हमारे जो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है। तो दोस्तों इस औषधि को अगर आप घर पर आजमाएंगे और उपयोग करेंगे तो आपके हार्ट में अगर कितने भी प्रकार का ब्लॉकेज हो वो तुरंत जो होगा खुल जाएगी, यानी इस औषधि को नस नस खुलने वाली औषधि भी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, जिन लोगों के रक्त खून का संचार जो होता है कम ज़्यादा होता है, जिसको हम बीपी बोलते हैं, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बीपी लो रहता है कभी बीपी हाई रहता है, तो उनके लिए भी यह औषधि काफ़ी फायदेमंद होती है। तो चलिए दोस्तों हम आपको किचन में लेकर के चलते और उस औषधि से आपको परिचय करा देते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए, साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों हम किचन में आ गए और वो औषधि आप देख रहे हैं, ये जो वो औषधि है जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था। तो दोस्तों ये है लहसुन। यह जो लहसुन है आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद औषधि मानी जाती है। हम लोग क्या है प्रायः जो घर पे जो होते हैं लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, सब्जी बनाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो लहसुन और अदरक को जो है इस्तेमाल नहीं करते। लहसुन जैन धर्मों में यह कहा गया है कि लहसुन जो होता है लहसुन का इस्तेमाल, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल वो लोग नहीं करते। पर दोस्तों यह एक आयुर्वेदिक की दृष्टि से लहसुन जो होता है काफ़ी फायदेमंद औषधि मानी जाती है। तो दोस्तों इसको जो है आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सबसे पहले जो अपना गैस को ऑन कीजिए, गैस ऑन करने के बाद जो है इस लहसुन को अच्छी तरीके से आपको भूंज लेना है। अच्छी तरीके से इस लहसुन को जब आप भूंज लें तो लहसुन भूंजने के बाद जो है दोस्तों ये लहसुन की जब अच्छी तरीके से लहसुन सिक जाएगा यानी ये लहसुन भूंज जाएगा तो उसके बाद यह जो लहसुन है वो इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। तो इसको आप अच्छी तरीके से इस प्रकार से पहले सेक लीजिए। हमें लहसुन जलाना नहीं है, हमें लहसुन जो है लहसुन की कलियों को ऊपर ऊपर के जो छिलके हैं उनको अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। रोस्ट लहसुन जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को जन्मजात शीत की बीमारी रहती है, जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होता ही रहता है, नज़ला की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए जो है लहसुन जो होता है काफ़ी फायदेमंद माना गया है। वो लोग जो है जिन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होती है वो लोग अगर इस प्रकार अगर लहसुन को भूंज करके अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों की सर्दी खांसी जुखाम से उन लोगों को निजात मिल जाती है। दूसरा दोस्तों यह जो लहसुन होता है वो मैंने भूंजने के लिए रख दिया है। यह जो लहसुन होती है दोस्तों इस लहसुन की अगर आप कच्ची कलियां, इस प्रकार की कच्ची कलियां सुबह के समय में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह के समय में एक कच्ची लहसुन की कली अगर आप खाते हैं तो दिन भर आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो अच्छी तरीके से रहता है, यानी कि आपका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं, आपको इंसुलिन लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। साथ में यह आपके हृदय को पंप करने में, हृदय की गति को, ब्लड जब आपका प्योरीफाई होगा यानी ब्लड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ब्लड में अगर
ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका सही रहेगा तो यकीन मानिए आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी। तो ये जो लहसुन है, लहसुन का इस्तेमाल मैंने बताया कि हार्ट के पेशेंट कर सकते हैं। दूसरा है, जिन लोगों को यौन जनित बीमारी रहती, यौन जनित बीमारी रहती यानी कि उन लोगों को टाइमिंग की समस्या रहती है, उन लोगों को जो होता है, उन लोगों का ढीलापन रहता है या फिर यौन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती, तो उन लोगों के लिए लहसुन की कली काफ़ी फायदेमंद मानी गई। सुबह के समय में एक कच्चा लहसुन शहद के साथ में खाने से उन लोगों की टाइमिंग बढ़ती है, शीघ्र पतन की समस्या से दूर निजात मिलती है, उन लोगों को स्वप्न दोष से निजात मिलती है। किसी भी प्रकार की यौन जनित बीमारी के लिए लहसुन की जो कली होती है वो काफ़ी फायदेमंद मानी गई। तो आप लहसुन की कली का इस्तेमाल कर सकते हैं यौन जनित बीमारी के लिए। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या रहती है यानी जिन लोगों का दिल जो होता है वो ब्लॉकेज आना लग जाता है, तो यकीन मानिए कि उन लोगों के दिल पे जो है ब्लॉकेज को दूर करने का कार्य जो है लहसुन काफ़ी अच्छी मात्रा में माना जाता है। सिर्फ एक लहसुन जो होती है वो आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने का कार्य करती है। जिन लोगों के कान में ज़्यादा तकलीफ रहती, कहा जाता है दोस्तों कि हमारी जो दादी नानी के नुस्खे भी हमने बहुत किताबों में पढ़ा हुआ है, दादा नानी के नुस्खे में यह बताया गया जिन लोगों को कान से रिलेटेड समस्या रहती है यानी उनके कान में मैल आता है, कान बहता है, कान से कम सुनाई देता है या फिर कान दर्द रहता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ होती है सरसों का तेल ले लीजिए आप। ये सरसों का तेल है, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में ले लेना है, उसमें 2 से 3 कली जो है लहसुन की आपको डाल देनी है और अच्छी तरीके से कड़काने के बाद उस तेल को आपको 1 से 2 बूंद दोनों कान में डालना है और उसके बाद जो है आपको रुई लगा देनी है। यह जो लहसुन होगा आपके कान में अगर किसी प्रकार का कोई कीड़ा घुस गया है, किसी प्रकार की भुंगी घुस गई है, मक्खी घुस गई है, कान में तेज दर्द हो रहा है, तो यह तुरंत कान तेज दर्द से आपको यह निजात दिलाने का कार्य करती है। तो दोस्तों हमारी लहसुन जो है लहसुन भूंज गई है, तो लहसुन को हम जो है ये देखिए इस प्रकार से आपको लहसुन भूंज लेना है, ज़्यादा एकदम काला नहीं करना है, आपको जलाना नहीं है लहसुन, सिर्फ भूंजना है। तो ये भूंजी हुई लहसुन जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सर्दी खांसी जुखाम के मरीज के लिए लहसुन काफ़ी फायदेमंद मानी गई है, वह लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको सर्दी खांसी जुखाम नहीं होगी। तीसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि हमारे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, जो 40-45 वर्ष से ऊपर के रहते हैं या फिर जो हमारे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे बोला जाए तो जिन लोगों को मालिश की ज़रूरत पड़ती है उन बच्चों के लिए आपको करना क्या है, सरसों का तेल ले लेना है। ये सरसों का तेल आपको ले लेना और सरसों के तेल में शुद्ध सरसों का तेल आप ले सकते हैं, कोई मार्केट में मिल जाता है, अगर पिराई वाला तेल मिल जाए तो और ज्यादा फायदेमंद माना गया है। पिराई वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गांवों में जो लोग रहते हैं, जो हमारे किसान भाई रहते हैं, आदिवासी भाई रहते हैं, वो लोग जो है वो लोग पिराई का ही तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको आपने देखा होगा कि हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। और एक चीज और मैं आपको बतला दूं इस लहसुन के माध्यम से, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड और चपल रिफाइंड जो भी रिफाइंड में आता है तेल, जितना भी तेल में रिफाइंड होता है यह मानिए कि उसके पोषक तत्व जो होते हैं रिफाइंड करने से समाप्त हो जाते हैं, वह तेल आपके लिए किसी प्रकार के कोई फायदेमंद नहीं होता, सिर्फ वसा बढ़ाने वाला होता है। अगर आप गांव में रहते हैं और आपके पास में सोयाबीन की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, तिल की खेती होती है, तो दोस्तों आप जाइए किसी भी मिल पे जाइए, फ्लोर मिल पे जाइए, वहाँ पे आप अपना तेल पिरवा लीजिए, लगभग लगभग वही रेट में आपको तेल पड़ जाता है, पर वो जो तेल होता है वो शुद्ध तेल होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। पहले के लोग इसी प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते थे और पहले हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ नहीं हुआ करती थी, अब हार्ट से बीमारियां काफी ज्यादा होने लगी क्योंकि हम रिफाइंड वाला तेल इस्तेमाल करते हैं, 1 रिफाइंड, 2 रिफाइंड, 3 रिफाइंड, 4 रिफाइंड, ये तेल कुछ बचता नहीं है, साथ में मिक्स होने की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है कि हमें जो होता पाम ऑयल जो है ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगा करके दे दिया जाता है जिससे हमको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती। तो दोस्तों शुद्ध अपनाइए, देसी अपनाइए, जिससे आपको जो है काफ़ी फायदेमंद आपके शरीर के लिए होगा, आपका शरीर को नुकसान देने वाला नहीं होगा। तो दोस्तों ये लहसुन मैंने ले लिया, लहसुन इस प्रकार से आपको छील लेना, दिया देखिए हल्के हल्के से पक गए, इसमें से पानी निकलता है। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो लोग हमारे घर पर बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, हमारे पिताजी रहते हैं, तो उन लोगों की पैरों की मसाज, घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए आप जो है इन कच्चे लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से आपको जो है छील लेना, छीलने के बाद जो है दोस्तों आपको सरसों के तेल में डाल करके अच्छी तरीके से उसको कड़का लेना है, इतना कड़काना है कि तेल जो है तेल हल्का सा जले ना पर लहसुन जो है वो पूरी तरीके से उसमें जल जाए, धीमी धीमी आंच में जो है आपको उसको भूंजना है। जब वो भूंज जाए तो उस तेल को ठंडा होने के बाद आपको जो है उस तेल का
उसमें अगर आप डाल सकते हैं तो दालचीनी थोड़ी सी डाल दें। दालचीनी डालने के बाद ही तेल को कड़काएं। दालचीनी, लहसुन और काली मिर्च और लौंग, ये चार प्रकार की चीज़ों को डाल करके आप उस तेल को कड़का लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अपने घर के बुजुर्ग बच्चों की अगर मालिश करेंगे तो दर्द जो होगा, सूजन जो होगी, तुरंत ठीक हो जाएगी। यकीन मानिए आयुर्वेदिक औषधियाँ तुरंत काम करती हैं, बशर्त हो आपको सही आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में पता हो और सही तरीके से यूज़ करने का हो। और उसके बाद जो है गर्म कपड़ा गर्म, मैंने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेल से मालिश करने के बाद कपड़े को लपेट दीजिए उस जगह पर, हाथ पर लपेट दीजिए, पैर पर लपेट दीजिए, जहाँ भी दर्द हो रहा है उस जगह पर लपेट दीजिए। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको जो है हल्के से गर्म पानी से या फिर गर्म कपड़े से उसकी सिकाई करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। यकीन मानिए आपका जो दर्द होगा थोड़ी देर में खिंच जाएगा और घुटनों में अगर ग्रीस खत्म हो गए तो ग्रीस की भी भरपूर्ति कर देता है। सरसों का तेल जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों यह जो आम हमारे किचन में दिखने वाली जो लहसुन होती है, यह आपके शरीर के सभी प्रकार के समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने का कार्य करती है। आप में तेज बढ़ाने का कार्य करती है, आप में उत्तेजना बढ़ाने का कार्य करती है, आपके यौन जनित रोगों को दूर करने का कार्य करती है, आप में ब्लड सर्कुलेशन सही करने का कार्य करती है, आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को दूर करने का कार्य करती है। तो लहसुन जो होता है लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो तुरंत लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। लहसुन की चटनी खाइए, लहसुन अदरक की चटनी खाइए, प्याज में सब्जी बनाइए तो लहसुन डाल करके बनाइए, दाल बनाइए तो लहसुन बना डाल करके बनाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करती है, जिससे आप रोगों से लड़ने में आपको महारत हासिल हो जाती है। तो दोस्तों लौंग, यह जो लहसुन होती है काफ़ी फायदेमंद आपके लिए होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि लहसुन का जो लहसुन जो होती है वो गर्म मसाले में इस्तेमाल तो की जाती है, साथ में लहसुन को कच्चा खाने से भी हमारे स्वास्थ्य में कितना लाभ होता है, भून करके खाने में भी कितना लाभ होता है, और अगर सरसों के तेल में डाल दिया जाए तो सोने पर सुहागा होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के आयुर्वेद एवं घरेलू उपचार से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे जो नोटिफिकेशन है, वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको तुरंत दबाइए, सब्सक्राइब हो जाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी आयुर्वेदिक पौधे आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।